साल से ईमानदार तो बेईमान हो गए इनकी नजर पब्लिक की नजर में। ये लोगों ने मामा के घर में रह रहा है और मामा को बुरा कह रहा है, इनको धिक्कार है। पिछले 5 साल से मामा बहुत झूठ बोल रहे हैं। कभी कभार मतलब अपना जो निजी स्वार्थ को ताक पे रख के और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी सोचना चाहिए। कांग्रेस वालों की धोबी 1000 रूपया लाडली बहना को डाल रहा, सिरवा चांद मोदी जी डाल रहे डिलीवरी का। 1000 रूपए के चक्कर में जीजा जी की क्या हालत बना दी है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, इस वक्त हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश की ब्यावरा विधानसभा में। इस सीट के इतिहास की बात करें तो फिलहाल इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। इस चुनाव में किसकी लहर है, मोदी शिवराज के विकास कार्यों पर पब्लिक क्या सोचती है, मामा की सरकार चाहती है या फिर कमलनाथ की सरकार, आइए पब्लिक से बात करते हैं। किसकी सरकार चाहिए, मामा की या कमलनाथ की? कमलनाथ की। क्या कमी रहेगी मामा जी की सरकार में? मामा जी घोषणा ज्यादा करते, काम कुछ करते नहीं है। अच्छा, हाँ, और 50% में कमीशन पे सरकार चल रही है। मैं सरपंच हूँ खुद युवा। अच्छा, सरपंच है आप? खुद मैं सरपंच हूँ, पहले सरपंच प्रतिनिधि था, सरपंच हूँ खुद ही। मामो ही जीते वो युवा बहनों का, लाडी बहनों का 1000 आपके 3-3 महीने पेंशन को गए, बुजुर्ग लोगों का 3-3 महीने पेंशन के पैसे डाले, 3-4 महीने सब दे दिया। 40 सीट मामो ही जीते को। मामो ही क्यों जीते को? मैंने काम करिया अतरा ही। क्या काम किया मामा जी? बहन ही जिता देगी मामा तो, ये कहीं करेगा मामा जी? बहन ही जिता देगी उन्हें तो। अच्छा, बहन ही जिता देंगे? कमलनाथ जीतेगा सरकार, वही बनेगी। ये कह रहे ताऊ जी, कह रहे कि मामो ही जीते को। खत्म है, मामा मामी नहीं बने। अब नहीं बने मामा मामी? मामा मामा काम नहीं है, कहीं भी नहीं जो बनेंगे बीमरी में। अभी कमलनाथ तो नाथ है बाबा, सांप भर चला बाबा, वे तो बनाइए बीमरी में। अभी हाँ बीमरी में बनाइए, अभी मामा जी जीते हो और अच्छे देख लीजिए, और 5 ही से 8 जीतेगा। अरे मामा जी मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है, वहीं बने वो। कमलनाथ कह रहे, ताऊ जी कह रहे मामा जी जीते को। कमलनाथ जी मामा को लाडली बहना जिताएगी इस बार? बिल्कुल लाडली बहना मामा नहीं जीते, कहीं भी खत्म है। इनकी भी निमान है, जिया जी की बाहर चलेगी बहन, जिया जी के बाहर बहन चलेगी, बहन कहीं काम नहीं करेगी, बहन बगल चल जाएगी बहन। हाँ, जीजा जी के बगैर नहीं चलेंगी बहने? बिल्कुल नहीं चलेगी, नहीं चले जीजा, जीजा जी के बिना नहीं चलेंगी बहने। जीजा जी की माने 1000 देगो तो मामा दे दो, वोट देगो बहना, और अपन 3000 तक जाएगी। 3000 जाएगी तो बेटा जी दारू पी के गड़ जाएगा। अच्छा, जीजा जी दारू पी के गड़ जाएगा और मामा ही जीते को? जीजा जी को दारू पिलाओगे? जीजा जी पिलेगा दारू, दारू पी के गड़ जाएगा। इस बार जनता परिवर्तन चाहती है, इस बार कांग्रेस सरकार आएगी। तो क्या दिक्कत है डबल इंजन सरकार में? मामा क्या है, पब्लिक को गुमराह ज्यादा कर रहे हैं। पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, कुछ पता नहीं, लंबे 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 फेंके मार रहे हैं रोड पर। यहाँ पे जो ट्रैफिक मामा ने क्या आज थोड़ी कोई नहीं दी धरती पे, मामा ने इतना दिया क्या धरती पे? कोई नहीं का परिवार है ये, गांधी जी का ही रहेगा और सरकार कांग्रेस की बनेगी। अच्छा, गांधी जी का परिवार है? पूरा देश गांधी जी का परिवार है और सरकार कांग्रेस की बनेगी। ताऊ जी कह रहे मामो जीते को? मामो तो कहीं के जो मामो तो बना लिया, मामा तो गया, तो गया। बनाने के बाद में उनने यूं की, मामा कहाँ गया? 18 सालों से मामा है, मामा रहेगा कहाँ से गया? जब तक देश रहेगा, स्वतंत्र रहेगा, बीजेपी से रहेगा। किसकी सरकार चाहिए जी, कमलनाथ की या मामा की? कमलनाथ की। कमलनाथ की। माँ का जो करा, हम गरीब है, गरीब रहेंगे, पर सरकार चाहिए ईमानदारी। ईमानदारी चाहिए भाई, गाली क्यों दे रहे हो? नहीं, ईमानदारी सरकार चाहिए, पर ईमानदार नहीं है मामा जी की सरकार। नहीं है, बड़ा बड़ा ना मकान दिया गांव में, फुट लोग 20 साल से ईमानदार तो अब बेईमान हो गया इनकी नजर पब्लिक की नजर में, पब्लिक की नजर में अब हो गया बेईमान। कर्मचारी ने, कर्मचारी आदमी ने मतलब पैसा सारा डाल दिया किसान में कहीं। ये लोगों ने मामा के घर में रह रहा है और मामा को बुरा कह रहा है, इनको धिक्कार है। मामा ने घर दिए आप भी जानते हैं, पूरा संसार जानता है। प्रधानमंत्री सड़क योजना है, अटल जी लेके आए थे, उस पे सब घूम रहा है, वो सब भूल गए हैं। जिनके मामा ने क्या मामा के घर से दिए है घर? मैं मामा की बात नहीं कर रहा हूँ, तो पैसा है, बीजेपी की बात कर रहा हूँ। तो कोई नहीं रहता, मैं बताया, एक मिनट 20 साल का काम बोलता है। मामा ने अच्छा किया था तो पब्लिक ने 4 बार बिठाया, खुद के दम पे 4 बार बिठाया, और अच्छा करा होगा नहीं तो पब्लिक फिर बिठा।
अच्छा। पिछले 5 साल से मामा बहुत झूठ बोल रहे हैं। अच्छा। लगातार झूठ बोल रहे हैं। अब इनकी 1500 रुपए ले रहे हैं वो भी झूठ है, ठीक है। और इनके जो महलों में पानी जो छूता था, पानी छूते हुए में इनके घर बन गए, वो भी झूठ है, वो भी झूठ है। देख के वोट खरीद रहे हैं, वोट खरीद रहे, पैसा थोड़ी दे रहे हैं, वो तो वोट का पैसा दे रहे हैं, समझदार है, खरीद रहे हैं, वो वोट खरीद रहे हैं। सुनो 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 एक मिनट, कभी कभार मतलब अपना जो निजी स्वार्थ को ताक पे रख के और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी सोचना चाहिए। हाँ, आज मतलब अपना देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया, अमेरिका, रूस, चीन, जापान सब घुटने टेक रहे हैं। तो बस वो मोदी तो यहाँ से वहाँ तक मोदी मोदी है। जब जब सरकार है ये बरियों की सरकार, कांग्रेस वालों की धोती, इसलिए रोती है साले, कांग्रेस वाले रो रहे हैं, मोदी ने कांग्रेस की धोती। अभी तक CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उन्होंने किसका समर्थन किया है? हमास का। हमास एक आतंकवादी संगठन है, उसका समर्थन किया है, समर्थन कर दिया गुरु जी, कर दिया। नहीं मतलब बयान जारी किया है क्या है? कोई बयान जारी तो नहीं किया, पेपर में आई है ना, टीवी पे सुना है? नहीं, नहीं किया, टीवी पे सुना है, टीवी पे सुना है, न्यूज़पेपर का पता नहीं, टीवी पे सुना है, कौन से न्यूज चैनल पे देखा? हमें हमेशा आतंकवादियों का साथ दिया है कांग्रेस ने, मंदिर तोड़वाए कांग्रेस ने, कांग्रेस दिया मारो, कॉपी नहीं है, पेंशन नहीं मिले, बूढ़ा आदमी है, एक बल्ब चले आपने जो कर रहा है, क्यों मत साथ गाली क्यों दे रहे चाचा? पेंशन वेंशन नहीं है? नहीं है दादा भाई, पेंशन नहीं है। तो फिर भाजपा को गाली क्यों दे रहे हो आप? किन में दूं मैं तो आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अगर 500 रुपए इन गैयाओं के हिसाब से अगर लाइसेंस दे दे, 500 रुपए हर गाय पे एक दे, तो एक हर घर हर किसान के घर बन जाएगी। गौ माता की ऐसी हत्या हो रही है रोड पे, ये बहुत ज्यादा, और ये गौशाला खोली है, सब कुछ खोला है, गौशाला में वाहन पड़ा है उनका, गौशाला नहीं, हर किसान के घर में एक गाय बन जाएगी, 500 रुपए कर दो। जनता परिवर्तन चाहती है, पर्सन रेड रेड के रोड पे फेंक देती ये कांग्रेस सरकार। 500 रुपए मांगे पेंशन का, पेन का 500। मैं बोलूं, मैं मेरी सुनो, हमारी बचत कर रहा, मतलब हमारे 1000 रुपया लाडली बहना को डाल रहा, सिरवा चांद मोदी जी डाले डिलीवरी का, हमारे रक्षक वही है मोदी जी। अरे सुनो, 1000 रुपए के चक्कर में जीजा जी की क्या हालत बना दी है, जीजा जी से पूछो। ये बेना का भैया है, बेना का भैया है और बेना का भाई मैं हूँ, क्योंकि मामा ने जो गाय ये दिल और गुर्दे चाहिए। आज आप जिस रोड पे खड़े हो, भाजपा किस भाजपा सरकार की अवस्था, पेंशन का ठिकाना नहीं है, 4 महीना किसी के राशन कार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, मामा ने कुछ भी नहीं है। ये चुन सभी का कहना है कांग्रेस पार्टी आए, क्यों आए? क्यों आए? बेना जाता के लिए कांग्रेस सरकार ने डाले मेरे सगा भाई नहीं डालते और मामा डालते, बहनों के बहनें लड्डू खा रही है, किसानों की फसलों का कितना रेट नीचे चला गया है, बहनों को बहनें लड्डू खा रही है, बहनों ही रोता भर गया। 15 महीने की सरकार बनी थी कांग्रेस पार्टी, लट्टू बिल हाफ कर दिया 100 रुपया और मोटरा को बिल 3500 कर दिया, शिवराज सिंह की सरकार बनी फिर 7000 कर दिया, फिर 200 का बिल कर दिया बीजेपी का, जो शिवराज सिंह को बिल्कुल झूठ बोलता है, बिल्कुल झूठ बोलता है। कांग्रेस सरकार ने कहा था 10 दिन में कर्जा माफ होगा, चुनावी गर्मी दिखाती है कि किस तरह का माहौल है। कांग्रेस समर्थक और बीजेपी समर्थकों की ये बहस आपने देखी, मध्य प्रदेश के तमाम हलकों से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं, इस्तेमाल करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।